स्कूल और शिक्षा के खिलाफ आज लोग आप लोगों ने ज्ञापन वगैरह दिया है, क्या था मुख्य उद्देश्य और क्या क्या मांगे हैं? हमारी मेन मांग ये थी कि जो बढ़ी हुई फीस सबसे पहले वो कम की जाए, नियम के तहत बनाई गई हुई वो ली जाए, और जो इतने साल से आप वसूल कर रहे हैं उसका कम से कम 50% तो वापस किया जाए, तो लोगों को एक राहत हो सके। क्योंकि कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा घोटाला है। जिस तरीके से कलेक्टर साहब को सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, तो एक ऐसे कलेक्टर साहब जिन्होंने एक ऐसी अलग जगह दी है जो लोग पूरे पेरेंट्स उसमें पहुंचे और एक जन आंदोलन बन गया है। आप देख रहे हैं कि जो पेरेंट्स कभी घर से बाहर नहीं निकलता था आज मजबूरन सड़क पर आना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं उन पर एक चीज है कि इतनी फीस हम कैसे दे सकते हैं, और कहीं ना कहीं सरकार पे भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। क्यों होता है प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ कि आज सरकार जो प्राय सरकारी स्कूल है उनकी हालत आप जाके देख लीजिए क्या हालत है। तो कहीं ना कहीं शिक्षा माफिया सरकार को जो डोनेशन दे रहा है, तो वो भी एक प्रश्न चिन्ह के कह रहे थे कि आप सरकारी स्कूल की हालत ऐसी कर दीजिए ताकि पेरेंट्स मजबूरन प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएं और हम अपनी पूरी मजबूरी उनकी मजबूरी का पूरा फायदा उठाएं, और ताकि जो फीस हमने निर्धारित की है वो शिक्षा माफिया के द्वारा वसूली की जाए। तो कहीं ना कहीं ये सरकार पे भी प्रश्न चले, लेकिन आज पेरेंट जो जिस तरीके सड़क पर आया और जाग गया है, मैं कहना चाहता हूँ शिक्षा माफियाओं से, एक गुरु और एक शिष्य का महत्व होता था। शिक्षा पहले गुरु के माध्यम से दी जाती थी, लोग उसको पूछते थे कि हमें शिक्षा निःशुल्क दी जाती है। आज शिक्षा माफिया, आप समझ रहे माफिया शब्द क्या है, माफिया किसको बोला जाता है? शिक्षक गुरुओं को माफिया बना दिया इन लोगों ने। किस तरीके से लूट हुआ है, लूट और डकैती का काम कर रहे हैं। एक बच्चों के आज खून पसीने की कमाई मेहनत करना जाता है, एक रिक्शा वाला की बच्चा भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा, क्यों मजबूर हो गया? कि कहीं ना कहीं शासन के सरकार की सरकारी स्कूल की दशा खराब है। तो ये प्राइवेट स्कूल वालों का यही कहना रहता है कि अगर आपको हमारे स्कूल हमारा स्कूल महंगा लग रहा है, फीस ज्यादा लग रही है, तो आप हमारे स्कूल से अपने बच्चों को निकाल लें। उसमें बिल्कुल मैं आपका आपने बोला है कि वो बोल रहे कि हमारे स्कूल से निकाला गया महंगा लगा, उसका भी एक नियम होता है। उस नियम के तहत बाकी और भी स्कूल है जिसको दिखा देंगे उस नियम से फीस ले रहे हैं। खालसा स्कूल है उसके आप उनकी फीस कर लीजिए, तो एक नियम के तहत आप फीस लीजिए ना। एक ट्यूशन फीस कोई भी चीज का एक नियम होता है। आज क्राइटेरिया बनाया जाता है किसके तहत आप नहीं लेना, ये तो आप लूट और डकैती कर रहे हैं। आज मैं कहना चाहता हूं जनता के कि आज मुझे एक काम करना है कि लेबर की मजदूरी आपने 300 रुपए निर्धारित की है या 400 रुपए निर्धारित किया है, अगर वो लेबर 1000 रुपए ले रहे हैं तो क्या हाल होगा? तो वो तो चीजें आप निर्धारित हो रही स्कूलों पे कि जैसे आपने लेबर की एक पेमेंट निर्धारित कर दी है कि 300-400 रुपए, मिस्त्री की कीमत 500 रुपए है, इससे ज्यादा नहीं, तो स्कूल क्या है? स्कूल भी आप शिक्षा जो बेच रहे हो तो उसकी भी फीस निर्धारित होनी चाहिए ना। किस फीस के बाद तो आपको लेना पड़ेगा, इससे ज्यादा नहीं लेना पड़ेगा। ये तो आज फीस आप करिए उनकी भी, एक लेबर की पर डे की कमाई कर लीजिए 2000, हम 20,000 रुपए देने तैयार है, हम 5,000 रुपए भी देने स्कूल को तैयार है, लेकिन लेबर की पेमेंट 2,000 रुपए दिन कर दीजिए। जब आप उसमें निर्धारित कर सकती है कि 400 रुपए से ज्यादा मजदूरी नहीं मिल सकती है लेबर की, तो जो स्कूल माफिया के खिलाफ क्यों निर्धारित नहीं हो रहा है? पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने सीएम राइस स्कूल का वादा किया था, कितने जबलपुर में ऐसे अभी आप मैं उदाहरण का तौर पर आप देख रहा हूँ, अभी एक गौरी घाट में बाबूराव परांजो डिपो स्कूल है, उसकी हालत देखना आप। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ पूर्व वित्त मंत्री तरुण भानोट जी को, उन्होंने बांडीवाल कराई थी स्कूल का, आज वहां पर है। टॉयलेट की व्यवस्था देखना, मैं आपके माध्यम से कह रहा हूँ, अभी जाके देखना आप, टॉयलेटों में गेटे नहीं है वहां पर। तरुण भानोट जी ने अपना पर्सनल से वहां कैमरे लगे, 8 कैमरे, वो कैमरे लगाए पर जब हम लोगों ने वहां की जनता लोगों ने मांग की तो उन्होंने पूर्व वित्त मंत्री तरुण भानोट ने वहां पर कैमरे लगाए। वहां स्थिति आप देखो कि क्या है, जगह टपक रहा है वो स्कूल की हालत, और आप राज स्कूल की बात कर रहे हैं। और उदाहरण ले दीजिए, मैं सरकारी स्कूल है अपना गौरी घाट का, गौरी घाट में बिल्कुल थाने के बिल्कुल सामने 12th तक स्कूल, उसकी हालत देख लीजिए क्या है। वो लगता है कहीं से 12th तक स्कूल है, कभी भी गिर सकता है, कोई बच्चों की जनहानि होनी हो सकती है। तो इसकी स्थिति में वही बोला कहीं ना कहीं सरकार के अंकों से कहीं ना कहीं ये डोनेशन शिक्षा माफिया के माध्यम से उनके पास पहुंचना है। और जो दबाने की आवाज जो जिस तरीके से कही जाती है, आप समझ आए 3 महीने से अगर आंदोलन चल रहा है, जी बहुत बड़ी बात है। इनके कानों में जूनियर है, अभी तक इनने एक्शन नहीं लिया है, तो कहीं ना कहीं जो आंदोलन की दबाने की बात कर रहा, पेरेंट्स को दबाने की। लेकिन मैं कहना चाहता हूं सरकार की, पेरेंट्स जाग गया सड़क पर आ गया है तो ईंट से ईंट बजाने क्या, हम लोग अगर विधानसभा और लोकसभा में भी जाने की बात करेंगे तो कोई बड़ी बात कम किया जाए।